उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ को अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, बमबाज गुड्डू मुस्लिम के साथ ही शूटर साबिर और अरमान की तलाश है। इसी बीच खुलासा हुआ है कि हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर साय की तरह अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ प्रयागराज के कछार इलाके में छिप रहा है। पिछले 30 दिनों में शूटर साबिर आयशा नूरी शाइस्ता परवीन के साथ है। सूत्रों के मुताबिक शूटर साबिर आयशा नूरी शाइस्ता परवीन प्रयागराज कौशाम्बी के कछार के इलाके में लगातार लोकेशन बदल कर छिप रहे हैं। आयशा और शाइस्ता के साथ आधी दर्जन से ज्यादा महिलाएं भी हैं, जो बुर्का पहनकर आयशा और शाइस्ता के साथ रहती हैं। आयशा और शाइस्ता रोजाना फोन और नंबर दोनों बदल रहे हैं। साबिर और शाइस्ता की तलाश में जुटी पुलिस टीम अब इनके मददगारों को तलाशने में जुटी है। खैर, 50,000 की इनामी शाइस्ता की तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी महफूज जगह पर शाइस्ता छिपी है। शाइस्ता की तलाश में 4 राज्यों में यूपी की पुलिस छापेमारी कर रही है। यूपी के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा और मेरठ, दिल्ली के ओखला, महाराष्ट्र के मुंबई और पश्चिम बंगाल के कुछ ठिकानों पर यूपी पुलिस ने छापा मारा है। यही नहीं, 20 से ज्यादा ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है, जिन पर शक है कि उन्होंने शाइस्ता को छिपने में मदद की है। आरोप है कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने सूत्रधार की भूमिका निभाई है, सभी शूटर्स को पैसे देने से लेकर मोबाइल और सिम उपलब्ध कराने तक, क्योंकि अब तक अतीक, अशरफ और असद का सफाया हो चुका है। इसीलिए शाइस्ता ही वो कड़ी है जो अतीक के आपराधिक नेटवर्क की जानकारी दे सकती है। इसीलिए पुलिस के लिए शाइस्ता का पकड़ा जाना जरूरी है। चाहे बेटे का जनाजा हो या पति का, शाइस्ता नहीं पहुँची। इस मामले में एक नया तर्क सामने आया है। बताया जाता है कि पति अतीक अहमद की हत्या के बाद शाइस्ता 4 महीने की इद्दत में है। इस्लाम में शरीयत के मुताबिक इद्दत में महिला के लिए गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।